नमस्कार, मैं राजमणि पाल, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पेपर से, जिसका कोड है BED SC04 के ब्लॉक 1 के यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे, और जिसमें कि हम मुख्य रूप से अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्रकार एवं उसकी विशेषताओं के बारे में सविस्तार जानेंगे। तो आइए हम आज के विषय पे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या होती। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी को समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों पे समझना होगा कि जैसे हम अपने इतिहास में या कुछ के बारे में अगर जानने का प्रयास करें कि जैसे हम अगर नाम लेते हैं आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, स्टीफन हॉकिंस, रूसवर्ड, जैसे नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन महान व्यक्तियों में क्या एक सामान्य विशेषता है, तो शायद आप उत्तर ना दे पाएं। यह सब अगर देखा जाए तो इनमें एक समानता थी कि चूंकि उत्तर देना इनमें क्या समानता थी ये कहना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यह सभी महान व्यक्ति अपने जीवन में अधिगम अक्षमता से ग्रसित थे। अधिगम अक्षमता एक ऐसी विसंगति है जिसमें बालकों के सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे बालकों का बुद्धिक स्तर यानी IQ लेवल, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन 90 या इससे अधिक होता है। इसमें कोई प्राथमिक विकलांगता भी नहीं होती है, फिर भी इनकी क्षमता एवं उपलब्धियों में काफ़ी विसंगत पाई जाती है। अधिगम अक्षमता के बच्चों में लिखने, बोलने अथवा समझने संबंधी दोष पाए जाते हैं। अब अधिगम अक्षमता के तात्पर्य को अगर हम समझें तो अधिगम अक्षमता यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो अधिगम अक्षमता एक प्रचलित उदयमान क्षेत्र है। अधिगम अक्षमता से युक्त बालक हर आयु, जाति एवं सामाजिक आर्थिक स्तर में दिखाई देता है। अर्थात अधिगम अक्षमता को अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर किसी ऐसा नहीं है कि इस उम्र में होती है, इस जाति में होती है या इन सामाजिक पर लोगों में पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। अधिगम अक्षमता किसी में भी हो सकती है। अन्य क्षमताओं की तुलना में अधिगम अक्षमता आज भी एक कौतूहल का विषय है। आज भी कई विद्वान अधिगम अक्षमता शब्द पर वाद विवाद करते हैं। कुछ विद्वान इसे अधिगम अक्षमता ना मानकर अधिगम में कठिनाई कहते हैं, परंतु दोनों शब्दों में सार्थक अंतर है। अधिगम अक्षमता विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है। इन बालकों में कभी कभी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, संवेगात्मक अस्थिरता एवं सामाजिक समस्याएं भी दिखाई देती हैं। अधिगम अक्षमता का सबसे प्रमुख एवं सामान्य कारक तंत्रिका तंत्र में विसंगत का होना है। यह पठन पाठन गणित एवं लेखन कौशल के आधारभूत कौशलों को भी नहीं सीख पाते हैं। इन बालकों का बौद्धिक स्तर औसत या औसत से अधिक होता है। इन बालकों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने एवं गणितीय कौशल को सीखने की आधारभूत मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में कठिनाई होती है। अधिगम अक्षमता से युक्त बालक उस क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह हैं जिसमें बल्ले से गेंद को हिट करके रन बनाने की क्षमता तो है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसको एक टूटा हुआ बल्ला दिया गया है और उसे अपनी क्षमता को उजागर करने का अवसर भी नहीं मिल पाता। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी अर्थात अधिगम अक्षमता से बालक में सब कुछ क्षमताएं होने के बावजूद किसी एक एरिया में कमज़ोर होने के कारण वह एक अच्छा परफॉर्मर या अच्छा रिजल्ट देने वाला बालक नहीं सिद्ध हो पाता। अब इसके हम कुछ परिभाषाएं अगर देखें कि अधिगम अक्षमता होती क्या है, तो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट 1992 के अनुसार अगर देखा जाए तो अ डिसऑर्डर इन वन आर मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग आर इन यूजिंग लैंग्वेज स्पोकन आर रिटन दैट मे मैनिफेस्टेड इट्सेल्फ इन एन इम्पैक्ट एबिलिटी टू लिसन, थिंक, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल
आर डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंक्लूडिंग कंडीशन सच एज परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज, ब्रेन इंजुरीज, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, डिसलेक्सिया एंड डेवलपमेंटल अफेक्सिया। कि अधिगम अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक की सुनने की, सोचने की, बोलने की, लिखने की, मैथमेटिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने की इत्यादि की संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार से उसके ब्रेन में इंजुरी, ब्रेन का सही से काम ना करना या डिसलेक्सिया या डेवलपमेंटल अफेक्सिया जैसी समस्या के कारण हो सकता है। दूसरी डिफिनीशन है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी इंडिकेट्स लिमिटेड एबिलिटी इन लर्निंग व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एडिक्वेसी आर लर्निंग अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क इन्वॉल्विंग डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ही कैन बी कंसिडर्ड टू हैव अ जनरल मेंटल रिटार्डेशन। अधिगम अक्षमता बालक के सीखने की क्षमता को कमी के रूप में दिखाई देता है, या ऐसे कहें कि अधिगम अक्षमता बालक के सीखने की स्थिति की कमी को दर्शाता है। एक व्यक्ति जब उसको बहुत सी चीज़ों को सीखने की स्थिति होती है, बहुत सी चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बहुत से कार्य को करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं करने में अक्षमता महसूस करता है, और बौद्धिक रूप से जो नहीं नया माइंड को इस्तेमाल कर पाता, जिसे मुख्य रूप से हम बौद्धिक क्षमता वाले जो बालक होते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम इन अधिगम क्षमता को कि दोनों परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि अधिगम अक्षम बालकों को शिक्षण क्षेत्र में निपुणता को ग्रहण करने में अधिक समस्या आती है, अर्थात उस जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनमें सही से वो परफेक्शन नहीं दिखता है कि जिससे वो अपनी शिक्षा को सही से अच्छे से ग्रहण कर सकें। यह समस्या अन्य शारीरिक अथवा मानसिक बाधाओं के कारण नहीं होती है, अर्थात कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता किसी शारीरिक या मानसिक बाधाओं के कारण नहीं होती है। अधिकांश बालक का बुद्धि स्तर सामान्य से भी कम होता है, क्योंकि इनका बौद्धिक स्तर, अधिगम अक्षम बालक जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बौद्धिक स्तर सामान्य से कम ही हो, सामान्य से ऊपर होने के बाद भी किसी एक एरिया में कम होने के कारण उनका पूरा परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। बहुत से बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य से अधिक भी होता है, और कई बार तो यह प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि स्तर के बराबर होते हैं, अर्थात जरूरी नहीं है कि अधिगम अक्षम बालक में प्रतिभा की कोई कमी हो या प्रतिभाशील श्रेणी के बच्चे ना हो, लेकिन एक एरिया में कमज़ोर होने के कारण वह जो है उनका पूरा परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है या हो जाता है। अधिगम अक्षमता के टाइप की हम बात करें कि यह कितने प्रकार का होता है, तो अधिगम अक्षम बालकों की समस्याएं मुख्यतः पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने, गुणनखंड इत्यादि से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं को मुख्यतः तीन रूपों में देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं: पठन कौशल डिसलेक्सिया, प्रॉब्लम इन रीडिंग, लेखन कौशल डिसग्राफिया, प्रॉब्लम इन राइटिंग, गणितीय कौशल विकृति डिसकैल्कुलिया, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, डिस्प्रॉक्सिया, यह भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है, फाइन मोटर प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इन स्लाइमिंग, किसी चीज़ को पकड़ना इत्यादि में दिक्कत आती है। डिसलेक्सिया की बात करें तो जैसा कि स्पष्ट है कि प्रॉब्लम इन रीडिंग में होता है। अब इसको अगर हम आगे समझें तो स्लो रेट ऑफ ओरल और साइलेंट रीडिंग, जब बालक पढ़ता है तो जैसे सिंपली पढ़ा जाता है CAT कैट, लेकिन ये बालक बहुत फास्ट इस चीज़ को पढ़ने में अक्षम होते हैं और बहुत रुक रुक के पढ़ते हैं, जैसे CAT। अब जैसे RAT रेड पढ़ना है, लेकिन उनमें पढ़ने की स्थिति पुअर होती है, एक बीच में जैसे पॉज दे करके पढ़ते हैं कि फास्टली RAT रेड ना पढ़ करके RAT, वैसे ही BAT, मतलब उनकी जो
बोलने की ओरल की प्रोनाउंसिएशन करने की दर होती है वो बहुत स्लो होती है, और इनेबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज रीड शोइंग बैक लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। उनको जो चीज़ दी जाती है उसको प्रॉपरली वो पढ़ने में भी अक्षम होते हैं, और जो चीज़ें पढ़ा उन्होंने उसको समझने में भी उन्हें दिक्कत आती है। इनेबिलिटी टू स्टेट मेन टॉपिक सिंपल पैराग्राफ आर स्टोरी, कोई पैराग्राफ उनको अगर दे दिया जाए या कोई स्टोरी बता दी जाए पढ़ाई जाए तो उसको भी बहुत सही से वो समझने में कंफर्ट फील नहीं करते हैं या बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं। आगे कुछ एग्जांपल और देखें। इनेबिलिटी टू फॉलो सिंपल प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, कि जो चीज़ें लिखी हैं जो चीज़ें लिखित मैटर उनको दे दिया जाए उसको भी बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो रीडिंग वर्ड बाई वर्ड एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, आर ए एम इज आई एस, बहुत स्लो वे में पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि रीडिंग वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड पढ़ते हैं, लाइक आप एक्सप्रेशन इन ओरल रीडिंग, कि वो जो पढ़ रहे हैं चूँकि हम जो भी वर्ड बोलते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं वैसा गेस्चर भी देते हैं, वैसा एक महसूस भी कराने का प्रयास किया जाता है, तो वो नहीं कर उन वो करने में अक्षम होते हैं। एक्सेसिव लिप मूवमेंट इन लिसनिंग, साइलेंट रीडिंग, जब वो पढ़ते हैं तो लिप मूवमेंट उनका ज़्यादा होता है, बोलते वर्ड कम निकलते हैं लेकिन लिप में जो है माउथ का चलना ज़्यादा दिखाई देता है। ओमिशन ऑफ वर्ड लेटर्स, एप्पल की जगह पे जैसे वर्ड को छोड़ देना, एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देना, ये उनमें कॉमन पाया जाता है। एप्पल का देखिए पी छोड़ दिया, लेटर, ऐसे सिंपल से हमें एग्जांपल दिखाई देते हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे राम का रेम कर देंगे, टेन का टिन कर सकते हैं, मैन का मैन कर सकते हैं, पेन का पेन हो सकता है, और इनमें मुख्य रूप से पढ़ने की का जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित होता है। और कुछ उदाहरण हम लोग देखें, रिवर्स इन वर्ड एंड लेटर, डी और बी में अंतर करना थोड़ा सा उनके लिए टिपिकल होता है, एम डब्ल्यू में, यू एन में, ई एंड सी में, पी एंड क्यू में, थोड़ा सा इनको कम्फर्ट फील नहीं होता है, आसान नहीं होता इसको समझना। तो सिंपल में भी हम कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया के कारण जो है बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो कह सकते हैं कि चूँकि जिसका डिसलेक्सिया से अगर ग्रसित बालक है तो उसका एजुकेशन, किसी वर्ड को बोलना, किताबें पढ़ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, तो मैथमेटिक्स के सवाल लगाना, और अगर ये थोड़ा सा पुअर है तो उसका करियर भी बहुत आसानी से नहीं हो सक मतलब चलने में दिक्कत होती है, आगे ज़िंदगी कैसे क्या क्या करेगा, और जिसका चूँकि अगर पढ़ने में पुअर है, परफॉर्मेंस सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसका हेल्थ ऑटोमेटिक प्रभावित होता है, तो इत्यादि एरिया में वो बालक पुअर होता है या इत्यादि एरिया उसका प्रभावित होता है। अब इसके कुछ खास विशेषताओं के बारे में हम देखें तो मैकेनिज्म हेमिंग 95 में इन लोगों ने जो है बच्चों पर किए गए अध्ययन के उपरांत कुछ खास विशेषताएं बताई हैं, जिसे इन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चे अपने शिक्षण प्रक्रिया को दिशा निर्देश निर्देशित करने में दूसरों के ऊपर अधिक निर्भर दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों को पाठ्य विषय को पढ़ाते समय अपने निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। प्रत्येक पाठ विषय को पढ़ने के लिए खास प्रकार की तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों में एक तकनीक से दूसरी तकनीक में स्थानांतरण करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों की स्मृति क्षमता भी कमज़ोर होती है। ऐसे बच्चों में ध्वनियों को सीखने, शब्दों को सीखने एवं उनके उचित उपयोग में भी कठिनाई होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो चीज़ें बोली गई, जो शब्द उनको सिखाया जा रहा है इत्यादि, उनकी समस्या उनको समस्या आती है कि वो चीज़ क्या है। ऐसे बच्चों को सीखे गए तथ्यों को सामान्यकृत करने तथा अन्य जगहों पर प्रयोग करने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को अक्षरों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिसमें केवल स्थानिक बनावट या लकीर के आधार को लेकर परेशानी, जैसे एक इत्यादि, कि ऐसे बच्चे ये समझने में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे वह अगर हमने एक लाइन खींचा, एक बनाया, तो वो फुल स्टॉप दिया है कि एक बनाया गया है, इन तमाम चीज़ों को समझने में वो अक्षम होते हैं या दिक्कत महसूस होती है कि कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ें
ये सिंबल यूज किए गए हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है। ऐसे बच्चों को पढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है, ऐसे बच्चे पर पढ़ने लिखने की क्रिया को नज़रअंदाज करते हैं, अर्थात रुचिपूर्वक कार्य नहीं करते हैं। अपनी क्षमताओं के कारण ऐसे बच्चों में आत्मज्ञान, विचार इत्यादि के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। पढ़ते समय में उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है, जिसे जो की जगह जो का उच्चारण करना है इत्यादि शब्दों को उनके स्थान से उलट कर पढ़ते हैं, तथा पढ़ते समय अपने हाथ को सही लाइन पर ना रखकर ऊपर नीचे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरे अधिगमक क्षमता पर, लेखन कौशल विकृति। इसके बारे में हम देखें कि इस प्रकृति के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिखावट तथा लेखन संबंधी कौशलों में काफ़ी दोष पाया जाता है। ऐसे बच्चों की लिखावट काफ़ी गंदी एवं भद्दी होती है। लेखन में वाक्य संरचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष एवं तिथियों तथा शब्द विन्यास संबंधी दोष बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस विकृति को विकासात्मक डिस्ग्राफिया भी कहा जाता है। ऐसे बच्चों को दिए गए शब्द अथवा वाक्य का नकल करने, अक्षरों के शुद्ध शब्द विन्यास करने में बहुत त्रुटियां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी आकार, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलता है। ये तमाम जो समस्याएं आती हैं कि लिखने से संबंधित, कि बच्चा जो है लिखने से में क्या क्या दिक्कतें आती है, उसको अभी हम लोग आगे उदाहरण में देखेंगे। जैसे दिया है स्पेसिंग प्रॉब्लम बिटवीन वर्ड एंड लेटर, कि कितना गैप देना है, कितना जगह बीच में छोड़ करके लिखना है, ये सोचने में अक्षम होते हैं, सही से नहीं जज कर पाते हैं। ओमिट वर्ड व्हाइल राइटिंग, वर्ड को मिस कर देना, ब्रशिंग का देखिए है स्पेलिंग है, उसमें एच मिसिंग है, तो ऐसे वर्ड वो मिसिंग करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, ऐसी समस्याएं उनमें दिखाई देती हैं। फिश का फिश, सब्स्टिट्यूशन लेटर्स, के की जगह पे सी यूज करेंगे, एफ की जगह पे पीएच या पीएच की जगह पे एफ, लाइट को लाइट, डिक्टेशन को डिक्टेशन, तमाम ऐसी स्पेलिंग उनमें मिस करने की क्वालिटी पाई जाती है। ट्रांसपोजेज लेटर इन वर्ड, स्टॉप स्पॉट वाज सॉ, मतलब स्पेलिंग को इधर उधर लिखना, इनमें कॉमन लक्षण दिखाई देता है। स्प्लिट स्पिल्ट, स्पेलिंग को एक अक्षर का इधर उधर करने से उसका अर्थ ही बदल जाता है, तो ये लक्षण हमें बच्चों में दिखाई देता है। इसको अगर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, तो टीचिंग प्री रीडिंग स्किल्स, मैचिंग पिक्चर, ग्रुपिंग, नेमिंग, इंक्रीज द मोटिवेशनल लेवल, रीडिंग अ पैराग्राफ, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी सहायता से हम रीडिंग स्किल कौशल को बढ़ा सकते हैं इसका प्रयोग करते हुए। इम्प्रूव राइटिंग स्किल, नोटबुक टू, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, नोटबुक फॉर रूल्स राइटिंग, गिव अ नंबर एक्सरसाइज विथ CVC इत्यादि प्रकार के होमवर्क दे करके बार बार प्रैक्टिस करवा करके हम लोग इसको सुधार करवाई जा सकती है। टू इम्प्रूव स्पेलिंग वगैरह के लिए बार बार इसकी प्रैक्टिस कराई जाए तो उसमें सुधार आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसकलकुलिया, यह अधिगम अक्षमता का एक बहुत प्रचलित और शिक्षा में बाधक के रूप में आने वाला एक अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। इस प्रकार के अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में मुख्य रूप से गणितीय कौशलों में कमी देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे प्रारंभिक कौशलों में अधिक कमियां दिखाई देती हैं, जैसे उच्च स्तरीय त्रिकोणमिति क्षमताओं में कमी इत्यादि। यह कभी मुख्यतः इन तथ्यों के उचित रूप से ना समझ पाने, जोड़ घटाना एवं गुणा भाग के प्रतीकों को ना समझ पाने तथा इनमें निहित प्रक्रियाओं को ना समझ पाने के कारण होती है। इस विकृति को विकासात्मक गणितीय समस्या के नाम से भी पुकारा जाता है। गणित विकृति के संबंध में किए गए अध्ययनों के अनुसार इसका मुख्य कारण बच्चों में निम्नलिखित क्षमताओं में कमी का होना है, अर्थात डिसकलकुलिया एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें जो है बालक का गणितीय कौशल बहुत प्रभावित होता है,
और जो मुख्य रूप से तमाम लक्षणों के रूप में दिखाई देता है, जैसे गणितीय संप्रत्यय को समझने की क्षमता का अभाव, संप्रत्यय एवं उनके प्रतीकों को समझने एवं उसे लिखने संबंधी क्षमताओं का अभाव, गणितीय संक्रिया में निहित चरणों को लागू करने में कठिनाई, गिनने की प्रक्रिया में दोष, छोटा बड़ा कम ज़्यादा में अंतर करने में समस्या, एक से अधिक सामग्रियों को रंग आकार तथा आकृति के अनुसार समूह में रखने में समस्या, संख्याओं को सही क्रम के बदले उल्टे क्रम में गिनते हैं, जैसे 4-5 की जगह पे 5-4 अथवा 5-0-3 को 3-0-5 लिख सकते हैं, संख्याओं को नकल करके लिखने में कठिनाई, समस्या समाधान में निहित चरणों को सीखने की क्षमता का अभाव, गणितीय समस्या के समाधान से संबंधित तत्वों के प्रत्यावाहन में दोष, गणितीय विकृति के साथ साथ ऐसे बच्चों में पठन कौशल विकृति तथा भाषा विकृति भी देखने को मिलती है। अब इसके हम मुख्य लक्षण को अगर देखें कि अधिगमक क्षमता के बालक में मुख्य रूप से कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो इसको देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अधिगम अक्षम बालकों के मुख्य गुणों के वर्गीकरण करने हेतु तो अनेक प्रयास किए गए हैं। क्लेमेंटस ने 1978 में अधिगम अक्षम बालक के अध्ययन विस्तृत रूप में किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि अधिगम अक्षमता मानसिक तथा नाड़ियों के दोषों अथवा नाड़ी संस्थान में किसी प्रकार की क्षति के कारण होता है। ऐसे बालकों में अधिकांश रूप से निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं: अतिक्रिया यानी हाइपर एक्टिविटी, संवेगात्मक योग्यताएं इमोशनल एबिलिटी, अवधान में कमी लैक ऑफ अटेंशन, स्मृति और चिंतन में कमी डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर का सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ होना, शारीरिक विभिन्न इंद्रियों के आपस में सामंजस्य में कमी, संवेगात्मक प्रतिरोध, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे बालकों में हाइपर एक्टिविटी, इमोशनल एबिलिटी, लैक ऑफ अटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, सोचने की क्षमता इत्यादि तमाम प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं। जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं एक ही बालक में हो, लेकिन इसके कुछ लक्षण दिखाई देने से ये पता लगता है कि यह बालक अधिगम अक्षमता की श्रेणी का है। इसको और आगे देखते हैं तो अधिगम अक्षम बालक विषमांगी समूह बनाते हैं। कुछ बालकों को पढ़ने में समस्या होती है और कुछ को लिखने में कठिनाई होती है। अर्थात सारे बालकों में एक ही समस्या नहीं होती, अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, कुछ में पढ़ने की संबंधित, किसी में लिखने की संबंधित। जहाँ कुछ बालक समझने तथा विस्तृत बातों में समस्या का सामना करते हैं, तो कुछ बालकों को समय व्यतीत करने में तथा मानचित्र में किसी स्थान को खोजने में समस्या आती है। इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अधिगम बालकों की समस्याओं विशेषताएं सरलता से नहीं बताई जा सकती हैं। सामान्य रूप से ऐसे बालकों की समस्याएं निम्नलिखित होती हैं, उनको देखें तो योग्यता का स्तर, एबिलिटी लेवल, ऐसे बालकों का योग्यता स्तर औसत के लगभग होता है। यह बालक सामान्य योग्यता स्तर के नीचे या ऊपर भी हो सकता है, कि अर्थात इनकी एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता सामान्य भी हो सकती है और सामान्य से ज़्यादा भी हो सकती है या सामान्य से कम भी हो सकती है। क्रियात्मक स्तर, एक्टिविटी लेवल, अधिगम अक्षम बालकों में क्रियात्मक स्तर या तो बहुत अधिक होता है या बहुत कम होता है, क्योंकि अधिगम अक्षम बालक का एक एरिया वीक होने से दूसरा एरिया हो सकता है स्ट्रांग होता है और उस एरिया में बहुत परफेक्ट रूप में दिखाई देते हैं, तो उनमें ये भी हो सकता है कि उनका कार्य स्तर, या अगर कहीं उनमें कॉम्प्लेक्शन आ जाए या कार्य करने की स्थिति, उनको एक सपोर्ट ना मिले तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, उनका कार्यात्मक स्तर प्रभावित भी हो सकता है, और मौका मिले तो जो एरिया पॉजिटिव एरिया है अगर उसका यूज़ करने का उनको मौका मिले तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अवधान संबंधी समस्या, अटेंशन प्रॉब्लम, अधिगम बालक का ध्यान किसी कार्य क्षेत्र पर बहुत कम समय के लिए केंद्रित होता है। अर्थात ऐसे बालक किसी एक विषय पर बहुत लंबे समय तक अटेंटिव नहीं होते हैं या एक ही सब काम को लगातार लंबे समय तक करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनका टेस्ट बदलता रहता है, का एक के बदले दूसरे काम पे उनका ध्यान, वर्क को, मतलब अर्थात कह सकते हैं कि वर्क को चेंज करते रहते हैं।
हाथ पैर अथवा शारीरिक अंग में क्रियात्मक समस्या, उनके हाथ पैर अथवा शरीर के अन्य अंगों में सामान्य न्यूनतम होता है, कि उनके हाथ पैर या बहुत प्रॉपरली कह सकते हैं कि जो कि एक एरिया वीक होने से और भी एरियाओं पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बहुत परफेक्टली जो है उसका रिजल्ट देने में वो अक्षम होते हैं या उसका प्रयोग करने में कहीं ना कहीं वो बहुत समर्थ नहीं होते हैं। दृष्टि प्रत्यक्षीकरण समस्या, विजुअल परसेप्शन प्रॉब्लम, अधिगम अक्षम बालक विभिन्न वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं, अर्थात देखिए जो भी वस्तु है वो क्या है एग्जैक्ट, अगर एक प्रतिबिंब के रूप में दिखता तो है लेकिन बहुत से क्लियर वो जज नहीं कर पाते हैं कि वस्तु क्या है, उसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण करने में अक्षम होते, तो इत्यादि प्रकार के लक्षण जो है हमें एक लर्निंग डिसेबिलिटी बालक में दिखाई देते हैं, जिसको अर्थात ये कहा जा सकता है कि अगर एक बौद्धिक अक्षमता का बालक किसी एरिया में कमज़ोर तो है लेकिन किसी एरिया में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं हुए हैं जो कि इस एरिया में भी अधिगम अक्षमता से ग्रसित होने के बाद भी अपने आप को बहुत सक्षमता के रूप में प्रस्तुत किया है, तो मौका दिया जाना चाहिए और ऐसे बालक को अगर मौका दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।